एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह से। तो आज इतनी बारिश है, कल रात से लाइट भी नहीं थी, अभी अभी आई है सुबह लाइट। और मैंने सुबह उठ के रूटीन में दिखाया था कि कितना अंधेरा है, वो मैं दिखाऊँगी आगे। तो चलो मैं नज़ारा दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश है आज। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी, क्योंकि पकौड़ी खाने का मौसम हो रहा है इसीलिए। और साथ में बन रही है चाय दोबारा। आलू प्याज मेरे कट चुके हैं, इतनी सारी पकौड़ी कौन खाता है यार। मैं बना रही हूँ, इच्छा है मेरी। Two hours later. रोड खराब होने से जाम लगा है बहुत भयंकर वाला। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा झरना है जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से दूर हो गया वो। अचानक से हमारा प्लान बना कि हम आज श्रीनगर जाएंगे और कुछ दिनों के बाद आएंगे। अचानक निकल गई और बहुत सारा काम था, मतलब फटाफट से वो निपटाया, इसीलिए मैं टाइम नहीं मिल पाया ब्लॉग बनाने का। श्रीनगर है 30 किलोमीटर, ऋषिकेश है 121 किलोमीटर, हरिद्वार है 148 किलोमीटर, दिल्ली है 373 किलोमीटर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और नरकोटा में रोड ब्लॉक हो रखी है, तो बहुत भयंकर वाला जाम लगा है बहुत। मतलब मैंने आपको गाड़ियां भी दिखाई, अभी उससे भी ज़्यादा गाड़ियां हैं। तो अचानक से प्लान बना के चले जाते हैं और उसके बाद जाम खुल चुका है और अब हम निकल रहे हैं आगे। थोड़ा इंच भर गाड़ियाँ खिसक रही हैं तो हम भी खिसक रहे हैं आगे के लिए। मेरे भोले मेरे संग रहना, बहुत अच्छी कलाकारी करी है। ये देखो इसको भूख लग चुकी है और ये बाहर निकल चुका है। अभी हम मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं आए आगे और यहाँ से तो पूरा बंद है। अभी नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं और ऊपर से भी रास्ता बंद है ऊपर वालों के लिए। हमें लगी है भूख तो हम खा रहे हैं बिस्किट। गाइस इतने खतरनाक चट्टान है ना यहाँ ऊपर, और उसके नीचे कार खड़ी है, मतलब क्या करें, जाम इतना है खतरनाक। पानी भी निकल रहा है इनसे, देखो पानी निकल नहीं रहा, बारिश इतने ऊपर है हमारे कार के ऊपर से। डर भी लग रहा है पर क्या करें, मजबूरी है। हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे जाम लगा था, पता नहीं चल रहा हुआ क्या था यहाँ पे।
आपकी यात्रा शुभ हो। पुलिस हो यहाँ आए रे। अब पता चला हमें रोड इधर खराब हुई थी तो यहाँ पे हो रखा है रोड बहुत भयंकर। देखो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। जो स्पीड हमने भगाई है ना। One hour later. अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं आई हूँ नदी किनारे और मैं आपको रामलीला की रिहर्सल भी दिखाऊंगी कैसे चल रही है यहाँ पे। Bye.
नज़ारा है यहाँ पे बैठने के लिए। तब जब भी मन परेशान हो तो इधर बैठने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी इधर नदी, इधर अलकनंदा नदी, उधर रिवर।